तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो सभी लोग हमें कमेंट करके बोल रहे थे सर डायग्राम में बताओ, डायग्राम में बताओ। तो आज हम बताने वाले हैं, इस साइड तीन वायर रहती है, देख सकते हैं आप, ये इस साइड तीन वायर रहती है। हमने एक वायर पर दो गाठी मारी हुई है, देख सकते हैं आप, ये इस वायर पर दो गाठी मारी हुई है, इस वायर पर एक गाठी मारी हुई है। यानी कि हमें याद रहे कि हमने किस वायर पर कितनी गाठी अप्लाई की थी। और ये देख सकते हैं आप, जिस पर गाठी नहीं है वो मेन का वायर है, यानी कि मेन वाइंडिंग का है। और ये जो दो वायर है जिन पर गाठी अप्लाई की है हमने, वो है कैपिटल का, यानी कि स्पीड के लिए हमने अलग से ग्रुप डाला है। यहाँ पर दो है और ये यहाँ पर भी दो है, देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर ये आपको दो गाठी दिख रही होंगी और ये एक गाठी है और ये मेन है। तो यहाँ पर कोई भी गाठी हमने अप्लाई नहीं की है, तो ऐसे रहता है इसका कनेक्शन। और गाइज हम डायग्राम में भी आपको यानी कि पूरी प्रॉपर तरीके से समझा देंगे कैसे क्या रहता है। और ये हमारा ये एक स्टार्टिंग का है, ये दूसरा स्टार्टिंग का है। तो ऐसे हमारे पास टोटल में एक दो और ये छः, तो टोटल में हमारे पास कितनी वायर हो रही है, आठ वायर। तो आठ वायर को हमने यानी कि मिलाकर चार वायर बनाकर बाहर निकालना है या छः वायर बनाकर बाहर निकालना है, क्योंकि दो तो कैपेसिटर में डिवाइड हो जाएंगी, फिर कॉमन एक आ जाएंगी, फिर तीन स्पीड के लिए तीन आ जाएंगे, इसी छः वायर रहेंगी हमारी। तो ये हमने चार कलर निकाल लिया है, देख सकते हैं आप, ये हम सबसे पहले लेंगे ब्लू, ये कर देना है सी, सी का मतलब है कॉमन। और हमारा मीडियम, मीडियम रहेगा वाइट, डब्ल्यू वाइट, देख सकते हैं आप, ये और हमारा लो रहेगा रेड, लो रेड। तो फाइनली ये हमारे चार वायर आ चुके हैं। अब हमें दो वायर एक्स्ट्रा लेना है कैपेसिटर के लिए, ये लेंगे, ले लेंगे हम चॉकलेट। तो ये एक और ये दो, तो ये दो वायर आ चुके हैं हमारे। तो जिसके ऊपर हम कर देते हैं एम एफ डी, एम एफ डी, यानी कि ये हमारा कैपेसिटर का हो गया है। अब फाइनली गाइज हमें इसका प्रॉपर नक्शा बनाना है, तो हम प्रॉपर नक्शा बना लेते हैं पहले। तो फाइनली गाइज हमने चार स्केच और अलग ले लिए है, देख सकते हैं आप, ये तो ये आपको समझाने के लिए कि यार कनेक्शन हमारा कैसे रहेगा, उस हिसाब से हमने अलग लिए। तो हम पहले सबसे पहले मेन का कनेक्शन कर लेते, तो गाइज हमने तीन अलग अलग कलर लिया था, देख सकते हैं आप, ये तो ये देख सकते हैं आप, ये यानी कि यहाँ से हमारा तीन कनेक्शन उठकर यहाँ पर आ गया, ये मेन है हमारा और ये कैपिटल के लिए हमने दो अलग से डाली थी। तो हम यहाँ से भी निकाल देते हैं इसका कनेक्शन, तो ये देख सकते हैं ये आ गया हमारा मेन। और ये दो हमारे कैपिटल के रहेंगे,
ये आ गया पर्पल और ये आ गया तीसरा वाला कलर जो हमारी स्पिट के लिए रहेगा। तो इसको हम कर देते हैं नंबर वन, नंबर टू। तो सिंपल से गाइज हम ये कनेक्शन पूरा फाइनल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको फाइनल कनेक्शन समझाएंगे। तो ये हमारा मेन आ चुका है। ये आ चुका है हमारा नंबर टू। और ये आ चुका है हमारा नंबर वन। तो ये हमारा फाइनली मेन का कनेक्शन हो चुका है, देख सकते हैं आप। ये यानी कि आपको समझाने का मोटिव ये है कि मेन के अलावा दो ग्रुप और रहेंगे कैपिटल के, ग्रुप वन ग्रुप टू। और हम आपको इसका टर्न भी बता देते हैं, इसके टर्न रहेंगे 35, यानी कि 35 इसके टर्न रहेंगे एक के, एक ग्रुप के 35 रहेंगे और दूसरे ग्रुप के 35। तो टोटल में हो जाते हैं हमारे ये दोनों मिलाकर 70 टर्न, देख सकते हैं आप ये। और हमारा जो मेन रहेगा, हम पूरा टर्न के साथ आपको समझा रहे हैं कि आपको यानी कि प्रॉपर अच्छी से जहन में बैठे वो मेन का टर्न रहेगा हमारा, यानी कि एक से चार में अगर हम कर रहे हैं, एक से चार में हमें लेना है 140। एक से चार में देख सकते हैं आप ये, और एक से छः में रहेगा हमारा 280, 280। तो ये रहेगा हमारा एक से छः में, ये देख सकते हैं आप ये। और ये नंबर रहेगा 30 नंबर। आपको बेटर तरीके से समझ में आए, इस हिसाब से हम इतना लंबा चौड़ा इसको करके बता रहे हैं कि आपको परफेक्ट दिमाग में बैठे हो। 30 नंबर मेन रहेगा हमारा, जिसके अंदर रहेगा एक से चार में 140 टर्न, एक से छः में रहेगा 280 टर्न, और कैपिटल हमारा रहेगा 30 ले रहे हैं, स्टार्टिंग में 31 ले रहे हैं, तो इसके लिए हमको 33 नंबर परफेक्ट रहेगा, तो हम उसका लेंगे 33 नंबर इसका, यानी कि हमने 33 नंबर लेना है, यानी कि 1 और 2 का 33 नंबर लेंगे तो एकदम परफेक्ट हमारा स्पीड ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से हमारा चलेगा अच्छा कूलर। और ये सिर्फ हम 1 से 6 में ही डालेंगे, यानी कि इस वाले ग्रुप में, देख सकते हैं आप ये, इस वाले ही ग्रुप में हमें डालना रहेगा ये कैपिटल को। हाँ, अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप 1 से 4 में 1 से 6 में दोनों में ही डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम शॉर्ट में काम करते हैं तो हम 1 से 6 में ही डालते हैं, देख सकते हैं आप ये। और ये हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 1 से 6 में, 70 टर्न रहेंगे इसके, तो हम वो भी कर देते हैं 70, यानी कि एक के रहेंगे 35, दो के मिला के 70 टर्न हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप ये 33 नंबर स्टार्ट ये कैपिटल में हमने लिया था, तो उसके हमने 70 टर्न लिए। अब स्टार्टिंग, अब बारी आती है स्टार्टिंग की, मेन का तो पूरा फाइनल सेटअप हो चुका है, अब बारी आती है स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग के लिए हम ले लेते हैं ग्रीन, देख सकते हैं आप ये। तो सिंपल से हम दो लकीर खींच देते हैं, क्योंकि गाइज ये यहाँ पर ये काफ़ी उलझन हो चुकी है और ये आपको नहीं समझ में आएगा, उस हिसाब से हम सिर्फ दो लकीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यार ये यानी कि आपको पूरा प्रॉपर समझाना था कि यार कनेक्शन कैसे रहता है। तो
यहाँ से भी तीन कॉइल निकल कर आती है और यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी तीन कॉइल निकलती है। तो आपने जो पहले वीडियो देखा, हमने जो आपको स्टार्टिंग में वीडियो बताया, इधर से तीन वायर निकली है, उधर से तीन वायर, स्टार्टिंग की दो वायर, तो ऐसी छः वायर रहती है ये, और स्टार्टिंग की दो मिलाकर हो जाती है आठ वायर। तो आठ वायर को हमें, यानी कि ये फाइनल छः करके बाहर निकालना है। देख सकते हैं आप, ये कैपेसिटर का दो और कॉमन का एक, हाई का एक, मीडियम का एक और लो का एक। तो हमें ये चारों, ये छों को साथ में यानी कि कंबाइन करके बाहर निकालना है। तो सिंपल से हम ले लेते हैं दो लकीर स्टार्टिंग के लिए। तो हम इसको कर देते हैं स्टार्टिंग। स्टार्टिंग देख सकते हैं आप, ये इतना हमारा फाइनल हो चुका है। अब उसके बाद हम फाइनल कनेक्शन करेंगे उसका, तो आप समझ लेना। और इसके अंदर, यानी कि आपको ये भी बोलना भूल गए, इसके अंदर हम लेंगे 31 नंबर और उसका टर्न रहेगा 1 से 4 में उसका टर्न रहेगा 150 और 1 से 6 में उसका टर्न रहेगा 300। तो ये हमारा स्टार्टिंग का टर्न रहेगा, ये मेन का टर्न रहेगा और ये कैपिटल का टर्न रहेगा। देख लो आप और समझ लो आप। तो गाइज, आई जस्ट होप कि आप यहाँ तक समझ गए हैं हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। अब अगर इसी में करते हैं हम, तो बहुत ज़्यादा यानी कि यहाँ पर उलझन हो जाएंगी, समझ लो आप। पहले तो पहले हम आपको यानी कि ये तीन लकीरें और ये तीन लकीरें दूसरे पेज पर बनाकर आपको बताते हैं और स्टार्टिंग के, तो आपको फाइनली समझ में आएगा वो क्या यार कनेक्शन रहता कैसे है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा मेन जा रहा है ब्लू से, तो यहाँ से भी मेन जा रहा है ब्लू से, देख सकते हैं आप, ये यहाँ से भी, और ये यहाँ पर आके हमारा एंड हो चुका है ब्लू। हमारा नंबर टू जा रहा है पर्पल से, तो ये यहाँ से भी जा रहा है, वो यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी हमारा नंबर टू पर्पल से ही है, और ये नंबर वन है जो पिंक कलर है उससे यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ जाकर वन। तो ये देख सकते हैं आप, इसको कलर इसका आप ध्यान में रख लो, क्योंकि अगर हम दूसरे पेज पर आपको बनाकर बताएंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। स्टार्टिंग के लिए हमने ग्रीन लिया था और ये चार कलर तो अलग ही रहेंगे, तो इसका हम जिक्र भी नहीं निकालेंगे अभी, वो लास्ट का काम रहेगा। तो गाइज, आई जस्ट होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है पूरा प्रॉपर। अब हम इसको पलट के दूसरे सफ़े पर आपको बताएंगे। आपको पता ही है कौन सी लकीर किधर से किस में जा रही है और कौन सी किधर से किस में। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे टेक्निकल जुगाड़। आप यहाँ तक तो टोटली समझ चुके होंगे, आई जस्ट होप। हमने पूरी कोशिश की आपको बेटर समझाने की। ये हमने जो वीडियो के स्टार्ट में आपको जो मोटर शो करवाई थी, जिसके ऊपर वन गाठी मारी हुई थी वो ये है, जिसके ऊपर टू गाठी मारी हुई थी वो ये है, ये मेन है, ये 30 नंबर, और इसके टर्न थे 140 to 80, और कैपिटल के लिए हमने लिया था 33 नंबर, जिसके टर्न थे 35 और डबल में हो जाते हैं 70, और स्टार्टिंग में हमने लिया था 31 नंबर, और 1 से 4 में लिया था 150, 1 से 6 में लिया था 300, और ये हमारा ब्लू है जो कॉमन है, जिसकी हमने सी का सिंबल बनाया था जिसके ऊपर, और ब्लैक जो था हमारा हाई था, वाइट जो रहता है वो हमारा मीडियम रहता है, और रेड जो रहता है वो लो रहता है, और ये हमारा MFD यानी कि कैपेसिटर का वो है पॉइंट हमने छोड़ा है। तो ये आ गए हम नवे सफ़े पर, जिस पर हम आपको कंप्लीट बनाकर बताने वाले हैं।
ये हमारा सी है ब्लू, एक्स से लिया था हाई, हाई जो हमने ब्लैक से लिया था, फिर उसके बाद हमने लिया था मीडियम, जो वाइट से था, तो ये है हमारा लो जो रेड से है। उसके बाद में हमें कैपेसिटर के दो पॉइंट चाहिए होंगे, तो हम उसको यहाँ पर कर देते हैं। और ये रहेगा हमारा एम एफ डी, एम एफ डी यानी कि कैपेसिटर का आ गया हमारा। और उसके बाद में सिंपल से ये स्टार्टिंग के दो पॉइंट रहेंगे, जैसे आपने वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया था आठ वायर शो करवाई थी मोटर के अंदर, उस प्रकार से ये आठ वायर टोटल रहेंगी। ये है स्टार्टिंग। तो गाइज हमें करना ये रहेगा कि हमने यहाँ से मेन लेना है, आप पहले कनेक्शन का पैटर्न समझ लो, यहाँ से मेन लेना है यहाँ पर कॉमन के करीब में, देख सकते हैं आप ये, तो ये अभी ये क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि ये हमने जैसे आपको वीडियो में पहले बताया कि यार ये क्लॉकवाइज रहेगा और ये एंटी क्लॉक रहेगा। तो अभी गाइज हम सिंपल से ले रहे हैं एंटी क्लॉक को, यानी कि एंटी क्लॉक को हम कॉमन बना रहे हैं, तो देख सकते हैं आप ये, तो ये हमारा एंटी क्लॉक आ गया है और उसी के बाद में ये हमारा एक स्टार्टिंग आ गया है, ये हमारा चले गया है कॉमन में, देख सकते हैं आप ये एंटी क्लॉक और एक स्टार्टिंग मिलकर इस वाले पॉइंट से क्लॉकवाइज घूमेगा, देख सकते हैं आप ये इस वाले पॉइंट से। तो अब यहाँ पर हमारे पॉइंट कितने बज जाते हैं आप नोटिस करिए, ये एक दो तीन चार पाँच, ये छः पॉइंट हमारे बच चुके हैं, दो पॉइंट हमारे ज्वाइंट होके कॉमन बन चुके हैं। तो अब हमें लेना है हाई, तो हम हाई कैसे लेंगे पता है, यहाँ से नंबर दो ले लेंगे, ये नंबर दो देख सकते हैं आप, ये नंबर दो आ गया है यहाँ पर। अब हमें नंबर दो को मिलाना है, इस नंबर दो को मिलाना है मेन से, देख सकते हैं आप ये मेन से मिल गई है और यहाँ पे हमारा हाई आ गया है। तो आप कनेक्शन का पैटर्न समझ लो, मेन जुड़ रहा है नंबर दो में, नंबर दो मेन जुड़ रहा है नंबर दो में, और नंबर दो का कनेक्शन आ रहा है नंबर दो में यहाँ पर, जो एमटी है नंबर दो, देख सकते हैं आप ये मेन यानी कि नंबर दो में जुड़ रहा है और ये नंबर दो आ रहा है यहाँ पर। अब हमें करना ये है कि जो नंबर वन है ना, ये देख सकते हैं आप ये नंबर वन यहाँ पर लेना है हमें, और सिंपल से नंबर टू को उसमें मिला देना है, देख सकते हैं आप ये, तो ये हमारा मीडियम निकल के आ गया है। यानी कि पहले आप कनेक्शन का पैटर्न समझ लो, नंबर वन जा रहा है ये नंबर वन में, ये नंबर वन उठकर जा रहा है ये नंबर टू में, ये नंबर टू उठकर जा रहा है वन में, ये टू नंबर में, और टू नंबर उठकर जा रहा है मेन में। आप समझ लो पहले कनेक्शन का पैटर्न, नंबर वन एम्प्टी है जो हमारा एकदम लो स्पीड रहेगा, जिससे तो ये देख सकते हैं आप ये, इसको भी हम कंप्लीट यहाँ पर डाल देते हैं, ये आ गया हमारा यहाँ पर, ये नंबर वन, ये नंबर वन से मिल रहा है, ये नंबर वन मिल रहा है टू से, और ये टू मिल रहा है मेन से, तो इस प्रकार से हमारा कनेक्शन होता है। और गाइज अब हमारे बच जाते हैं ये दो पॉइंट और ये एक पॉइंट,
तो सिंपल से हमारा ये एक पॉइंट तो यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं आप, ये एक पॉइंट यहाँ पर आ गया स्टार्टिंग का कैपेसिटर में, ये एक पॉइंट आ गया हमारा स्टार्टिंग में, और जो दूसरा वाला पॉइंट रहेगा हमारा कैपेसिटर का, तो वो आएगा हाई में से, देख सकते हैं आप, ये हाई में से ये दूसरा वाला पॉइंट आएगा कैपेसिटर के लिए। तो आई जस्ट होप आपको ये पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा, हमने बेटर से बेटर कोशिश की आपको समझाने की। तो ये है हमारा प्रॉपर कनेक्शन।